What is this thing? ये तो एक विशाल का एक जीव है। इसका नाम क्या हो सकता है यार? फटाक से देखते हैं। ये क्या है? ये तो काफी खूबसूरत सा एक पाल है यार। एंड ये सो रहा है वो। What is this creature यार? इतना खूबसूरत। यार एक मिनट यार, इसको पकड़ना तो पड़ेगा ब्रो। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज गाइस, हो सके तो लाइक जोर से कर देना एंड वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मेरे प्यारे भाई लोग, गाइस वेलकम बैक टू पाल वर्ल्ड। एंड आज का एपिसोड काफी खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि आज के एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम करने वाला हूँ। एंड यार मैं थोड़ी ही देर में करने वाला हूँ, यहाँ पे टावर ऑफ द PIDF में जो बॉस है, मैं उसके साथ अभी फाइट करने वाला हूँ। पता नहीं इस वाले बॉस के पास कौन सा वाला यार पाल होगा। तो यार चलो अपने पाल टीम को मैं थोड़ा सा स्ट्रांग बना लेता हूँ एंड देन चलता हूँ गाइस टावर ऑफ द PIDF में। यार टावर ऑफ द PIDF में यार कौन सा बॉस होगा यार, एंड उसके पास पाल क्या होगा यार, पता नहीं। बट मैं अपने सबसे सर्वशक्तिशाली वाले पाल्स को लेकर के जाऊँगा, ठीक है। एंड मेरे पास फिलहाल जो सर्वशक्तिशाली वाले पाल हैं, एक मिनट यहाँ पर, ओ एक चीज़ कर सकता हूँ, बाय लेवल करते हैं। अगर बाय लेवल करेंगे तो सबसे स्ट्रांग मेरे पास लेवल 50 का सुजैको है मेरे पास, या 50 लेवल का सुजैको है मेरे पास। तो इसको तो डेफिनेटली आई थिंक मुझे लेकर के जाना चाहिए ब्लेज हाउल के जगह, ठीक है। ओके आई थिंक ये कमाल का हिट देगा। एंड जर्मन टाइट को लेकर के आई थिंक जाना चाहिए, 622 अटैक है ब्रो, इसको तो लेकर के जाना ही चाहिए। वैसे मेनेस्टिंग का देखते हैं यार, मेनेस्टिंग का यार 345 एंड इसका बहुत ज़्यादा है यार। ये लॉर्ड ऑफ द, नहीं नहीं, फैन ग्लोब के जगह मैं इसको लेकर के जाता हूँ। चलो फैन ग्लोब के जगह मैं इसको लेकर के जाता हूँ एंड मेनेस्टिंग के जगह भी लेकर के जाएंगे। वेट अ मिनट गाइस, एंड ये भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ओ मैंने डिनोसम लक्स को भी पकड़ा था यार पिछले एपिसोड में, एंड ये एक बॉस है, ठीक है, ये बॉस है। पर ऑलरेडी मेरे पास ऑर्जरक है एंड मैं डेफिनेटली ऑर्जरक को यार बैटल में लेके जाना चाहूँगा, बिकॉज इसको भी एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर ऑर्जरक को एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऑर्जरक फिर लेवल अप होगा, बहुत ज़्यादा लेवल अप होगा। और गाइस यहाँ से कि आप लोग देख पा रहे हो, ये बाय ऑर्डर ही आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड ये 32 का फैन ग्लोब है, ये कितने 40 यार कुछ फिर से गलत हो गया, एक मिनट फिर से बाय लेवल करेंगे, ठीक है। तो ये 47 का, ये 40 का, ये 40 का सिब्लिक्स 40 का है। मेनेस्टिंग को आई थिंक नहीं लेकर के जाना चाहिए, बट मेनेस्टिंग का एक चीज़ बहुत बढ़िया है, इसका डिफेंस ना सबसे अच्छा है गाइस मेनेस्टिंग का डिफेंस, क्योंकि ये एक स्टील स्कॉर्पियन है एंड इसका कवच काफ़ी तगड़ा है, इससे भी खतरनाक है यार। ओ नहीं, वार्सेक का कवच कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है यार, एंड वार्सेक का अटैक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यस, वार्सेक को लेकर के जाना पड़ेगा। ओके आई थिंक गाइस ये मेरा टीम ठीक है, क्या कहते हो गाइस, इसी टीम को लेकर के जाएं? हैं, इसी टीम को लेकर के जाएं क्या? चलो इसी टीम को लेकर के जाते हैं एंड बाकी यहाँ पे देखते हैं यार। अल्ट्रा स्पीड 6 है यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा यार। ओके लेट्स गो, अगर हारना है तो हार जाएंगे ब्रो। मैं आ चुका हूँ इधर एंड गाइस इधर कुछ रॉबिन क्यूल टेरा है, एक काम करते ऑर्जरक को ही भेजते हैं, ठीक है। ऑर्जरक को थोड़ा सा यार पावरफुल बना करके जाएंगे, थोड़ा सा एक्सपी पॉइंट्स मिलेगा। ऑर्जरक मार इसको, उड़ यार मार, बहुत बढ़िया, कमान ऑर्जरक। हाँ अपना ट्राइडेंट यूज़ कर ले। उड़ी ये क्या हो गया ऑर्जरक यार? ऑर्जरक का तो आधा HP हो चुका है यार, ऑर्जरक का आधा HP हो सकता है। जल्दी से मार रॉबिन क्यूल टेरा को। हाँ यार मैं यार रॉबिन क्यूल टेरा के साथ बैटल कर रहा हूँ एंड ऑर्जरक को ऑब्वियसली फटका पड़ रहा है। ऑब्वियसली ऑर्जरक तो एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन है ना, एंड ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड टाइप आर सुपर इफेक्टिव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टाइप। ये तो यार पोकेमॉन में भी है एंड इस गेम में भी है, ठीक है। ओके अब ऑर्जरक लेवल 32 में ही है, अभी भी लेवल 32 में ही है क्या? तो क्या कहते हो गाइस, इस बॉस के साथ लड़ने से पहले मुझे यार इन लोगों के साथ थोड़ा सा बैटल करना चाहिए क्या? यहाँ पे 37 लेवल के नाइटविंग है, 34 लेवल के नाइटविंग है, तो हाँ मैं थोड़ा बहुत ही फाइट करूँगा एंड एटलीस्ट इसको 34 में लेके आऊँगा, ठीक है। Two hours later. यार मैं अपने पालों को स्ट्रॉन्ग बना रहा था एंड इतना बड़ा अंडा, ये तो गाइस किसी एक फायर पाल का अंडा होगा। चलो ले लेते हैं। 2000 years later. Finally, training has been completed and जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये लेवल 35 का हो चुका है। अब यार वक्त ही बताएगा कि यार मैं कैसे फाइट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके लेट्स गो यार, डर लग रहा है। ओह डर के आगे लेकिन जीत है यार, डर के आगे जीत है, प्लीज प्रभु मेरे को बचा लेना यार। ये कौन है? मैंने गलत कर दिया शायद यार, मैंने बॉस के साथ पंगा ले लिया क्या गाइस?
मैंने बॉस के साथ पंगा ले लिया शायद। ये तो बॉस ही लग रहा है यार। गलत गलत कर दिया, मैंने सीधा बॉस के साथ ही पंगा ले लिया यार। मैं गया, मैं तो गियो, मैं तो गियो। एंड ये कौन है? ये क्या है? ये तो रेगना हो गया ना। ये तो एक फायर टाइप पाल रेगना हो गया। एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ये फेलेरी से? ओ भाई साहब, हरी राम कृष्ण जगन्नाथम। तू जा ले ब्रो, तू ही जा ले, फाइट कर फाइट कर। शेट, इसने तो मेरा पूरा शील्ड ही उड़ा दिया। पता नहीं गाइस मैं इसके अटैकों से कैसे बच पाऊँ। 1,45,000? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, 1,45,000 हैं? नहीं नहीं ब्रो, 1,45,000 यार, ये मुझे क्या देखने को मिल रहा है प्रभु? 1,45,000 पे किसका किसी का HP होता है यार? हैं यार बोल्ट, ये तूने लेकिन गलत कर दिया, ये तूने गलत कर दिया यार। इसके साथ पंगा मुझे नहीं लेना चाहिए था, ये मैंने लाइफ का सबसे गलत डिसीजन करा। मैं इधर भाग पाऊंगा क्या? ये लाइफ का सबसे गलत डिसीजन ही मैंने लिया यार। मुझे बॉस के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। 1,45,000, अब थोड़ा सा कम तो हो रहा है, ये नहीं कि थोड़ा सा कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कम तो हो रहा है। हाँ मार ले 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 मार ले। यार मेरा शील्ड तो आ ही नहीं रहा है, फटाक से मैं इस शील्ड को एक्यूब कर लेता हूँ, ठीक है? अरे यार कुछ ना कुछ तो कर यार, मेरा शील्ड वापस से आज। शेट गाइस, ये तो मेरे पास ही आ रहा है। ओ नो, ये नो, ओ बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। ये तो मेरे ऊपर ही। यार मैं डॉच, मैं तो जल गया यार। मैं डॉच कैसे नहीं कर पाया पता नहीं यार, मुझे डॉच कर लेना चाहिए था बट मैं डॉच ही नहीं कर पाया। तेरी तेरी तेरी, मैं इसको यार गोलियों से क्या कर सकता हूँ यार, और मैं यार हैंडगन के एमओ से क्या ही कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यार। बोल भाई, इतना गंदी तरीके से मरेंगे मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है? मैं क्या, अरे भाग ले यार बोल्ट, भाग ले यार, भाग ले भाई। ओके 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 ओके, ऐसे चिप जाता हूँ, ऐसे चिप जाता हूँ यार। जीवन का सबसे गलत डिसीजन यही था कि मैंने यार मार्कस एंड फ्लेरिस के साथ पंगा ले लिया। शेट, ये तो गाइस यार लावा फ्लोर छोड़ रहा है यार, लावा अटैक। ओ भाई साहब, अरे छोड़ दे, मेरे साथ लड़ क्यों रहा है यार? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? एंड तू आ जा यार, तू जा यार, तू जा ले, थोड़ा सा तू ही बटल कर ले दोस्त, थोड़ा सा तू ही बटल कर ले। गुड 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 गुड, 2,107 का डैमेज दिया। अब देखते हैं गाइस अनुबिस कैसा कैसा अटैक कर पाएगा। अनुबिस कमान, कैन यू डू इट? अरे वेरी नाइस वेरी नाइस अनुबिस कमान, तू कर सकता है दोस्त, तू कर सकता है, मुझे तेरे ऊपर फुलन भरोसा है। इसको क्या हो गया हैं? पता नहीं गाइस इसको क्या। ओके ओके ओके, ये मेरे को अभी तक नहीं देख रहा यार। ओ भाई साहब, अनुबिस अनुबिस अनुबिस, ये तो मेरे पास ही आ रहा है ना। हाँ गाइस ये मेरे पास ही आ रहा है, तो मुझे भागना पड़ेगा। लेट्स भागिंग लेट्स भागिंग लेट्स भागिंग। ओ शिट, अरे मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है यार, मैंने क्या बिगाड़ा है? एंड इसको तो इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स भी आते हैं यार। ओके मार 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 ले। 1,30,000, नहीं यार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना। अरे यार ये तो यार ब्रेव बर्ड जैसा एक मूव भी यूज कर रहा है, ये तो भयंकर मूव यूज कर रहा है यार, ब्रेव बर्ड जैसा मूव यार। मार्कस एंड फ्लेरिस क्या मेन बॉस है? क्या मेन बॉस ही होगा शायद। 1,35,000-45,000 भाई, इतना हेल्थ और किसका हो सकता है? अगर ये मेन बॉस नहीं है ना, तब मैं यार सीरियसली मैं तो शौक हूँ, क्योंकि अगर ये मेन बॉस नहीं होकर के ही इसका हेल्थ 1,46,975 है, ऑलमोस्ट 1,47,000 ही आप लोग बोल सकते हो, तो मेन बॉस का हेल्थ कितना होगा? है 10 लाख होगा क्या भाई? इतना तो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है यार, जितना मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेन बॉस का हेल्थ 10 लाख होगा। ठीक है जी, पता नहीं अनुबिस क्या कर रहा है यार, अनुबिस तू कर क्या रहा है पता नहीं भाई, बट प्लीज़ यार तू कर सकता है यार, मैं तेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तू आ जा और जरा तू जा ले, थोड़ा सा खेल, थोड़ा सा गेम को खेल। कॉमन एग्रेसिवली करता हूँ एंड भागते हैं, ठीक है? ओ शिट, एंड इसका यार फ्लेम थ्रोअर भी बहुत अलग है। नाइस वन नाइस वन नाइस वन नाइस वन नाइस वन। ओ बच गया यार, ये फिर से ये फायर ब्रेव बर्ड जैसा मूव यूज़ कर रहा था मेरे ऊपर। मैं तो सिर्फ भागते ही रहूँगा, मैं तो सिर्फ भागते रहूँगा, ठीक है? मुझे सिर्फ भागना है अभी, मुझे सिर्फ भागना है। आई विल बी भागिंग, ओनली भागिंग एंड ओनली भागिंग। ओए ओए
शिट यार 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 यार, ये लावा अटैक फिर से मेरे ऊपर। ये लावा अटैक है कि ये क्या है यार, बिजली का झटका ही देता है यार। गलती सेट और जर्क तो मरने ही वाला था यार। तू जा ले यार जर्मन टाइट थोड़ी देर के लिए। क्या हो गया, क्या हो गया यार? हाइड्रो लेजर वेजर मार ले यार भाई। ओके आई थिंक हाइड्रो लेजर मारेगा ये, फॉर श्योर हाइड्रो लेजर मारेगा। ओ नो नो नो, हाइड्रो लेजर तो नहीं था। कमान जर्मन टाइट, मुझे ना जर्मन टाइट को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा इसके साथ लड़ने के लिए। अगर मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा, फॉर श्योर हरा तो नहीं पाएंगे यार। आप लोग खुद से ही बोलो कि यार चार मिनट में, ठीक है चार मिनट ही पकड़ के चलो, चार मिनट में मैं यार 121,000 हेल्थ कमा पाऊंगा? नॉट पॉसिबल यार, नॉट एट ऑल पॉसिबल भाई। ए ए ए भाई, ओके मार ले मार ले मार ले मार ले मार ले मार ले मार ले। 118,000 क्या? एटलीस्ट मैं इसका 46,000 हेल्थ कमा सकता हूँ। अगर 46,000 हेल्थ भी कमा देंगे ना तब भी मज़ा आ जाएगा। देखते हैं और 17,000। हाँ मैं गया यार। मार्कसन फ्लेयर्स के साथ लड़ोगे हैं बोल्ट? तो सटिया गया है, सीरियसली मैं सटिया गया हूँ यार। ओ भाई साहब यार, अब मैं एक काम करूँगा, मेरे मन में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। फिलहाल मैं सो जाता हूँ, ये मेरा पुराना घर है, मैं पहले तो सोना चाहूँगा, फटाक से सो ले। मैं आप लोगों को रात के मतलब सुबह में ही बोलूँगा कि मेरे पास आइडिया क्या है, ठीक है? वैसे मैं रात को भी बोल सकता था, ठीक है। मेरा आइडिया ये है कि मैं अब किसी और बॉस के साथ पंगा लेना चाहूँगा, एक अलग ही टावर पर अटैक करना चाहूँगा, एंड आई थिंक टावर ऑफ द पाल जेनेटिक रिसर्च यूनिट। मुझे लग रहा है ये पाल जेनेटिक रिसर्च यूनिट ना यहाँ पे शैडो ब्रेक बोल रहा हूँ यार, वो ब्रेक डांस थोड़ी ना करता है, शैडो ब्रेक बना दिया, इसके साथ तो लड़ नहीं पाया ब्रो। तो और कौन है, इजी वाला कौन सा होगा यार? इजी वाला और होगा ही नहीं क्या? आई थिंक नो इजी इज हियर नाउ। अब तो सारे के सारे कठिन ही कठिन, ठीक है? सारा कुछ कठिन चीज़ें ही मुझे देखने को मिलेगा, सब कठिन चीज़ें। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चल करके यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ पर जाएंगे, एंड देन यहाँ पर, एंड देन लिलिन नॉक के साथ, नॉक के साथ पंगा करके देखेंगे, ठीक है? पता नहीं लिलिन नॉक के साथ भी पंगा कर पाएंगे कि नहीं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है? एंड लिलिन एक आइस टाइप है, लिलिन नॉक है ना, लिलिन नॉक यार आइस टाइप होगी भी या नहीं यार? लिलिन नॉक कन्फ्यूज में हूँ यार, आई थिंक आइस टाइप ही होगी यार, आइस टाइप ही होगी, या फिर डार्क आइस कुछ भी हो सकता, डार्क आइस नहीं यार, आइस, डार्क आइस भी हो सकता है। मैं ना अपने सेकेंड बेस में चलता हूँ, ठीक है? आई मीन अपने थर्ड बेस में चलता हूँ, ये थर्ड बेस बस नाम का है, एंड थर्ड बेस में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि गाइस मुझे एलजीबी को लेकर के जाना ही पड़ेगा। आई नीड टू टेक एलजीबी फ्रॉम हियर, एलजीबी को मुझे लेकर के जाना ही पड़ेगा क्योंकि एलजीबी का आप लोग देख सकते हो अटैक 769 एंड 501 डिफेंस, एंड ये कुछ कर सकेगी, ठीक है? मैं व्हाट्सएप के जगह डेफिनेटली एलजीबी को ही लेकर के जाऊँगा, और किसको लेकर के जा सकते हैं यार? आई थिंक मेरा टीम अब तो सही है, बट जर्मन टाइट को लेके जाने का कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं लगता है मुझे कुछ फ़ायदा होगा। जर्मन टाइट को मुझे नहीं लेकर के जाना चाहिए, उसके जगह अगर मुझे किसी को लेकर के जाना चाहिए, बुशी को नहीं यार, ब्लेज हाउल को लेकर के जा सकते हैं। ब्लेज हाउल को लेवल 2 स्टार वाले ब्लेज हाउल को लेकर के जा सकते हैं, नहीं 1 स्टार वाले, इसको लेकर के जा सकता हूँ हाँ, पर इसको बहुत ज़रा ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो चलो इसको ताकतवर बना देंगे, इसी वाले एरिया पे मैं ताकतवर बनाने वाला हूँ। तो चलो गाइस ताकतवर बनाते हैं, एंड आपसे भाइयों से मिलता हूँ, ठीक है? One eternity later. मैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस जगह में आ चुका हूँ गाइस, एंड मैं लिली नॉक के साथ बैटल करने वाला हूँ। एंड आप लोग अभी मुझे बोलोगे कि बोल भाई आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? एंड इधर तो और एक ह्यूज, ये आइस टाइप अंडा है यार भाई, ह्यूज है। एंड कॉन्फिडेंस क्यों है और किस लिए है आई विल टेल यू, बट पहले इस कॉपर की को मैं फेंकता हूँ, एंड इस लार्ज फ्रोजन एग को मैं लेता हूँ, ठीक है? अभी आप लोग देखो ब्लेज हाउल लेवल 39 का हो चुका है, एंड ब्लेज हाउल के अटैक्स को आप लोग ध्यान दो, ठीक है? ब्लेज हाउल का नहीं, एलजीबी के अटैक्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, अनुबिस के अटैक्स के ऊपर ध्यान दो। सारे के सारे मेरे पालों के पास यार 100 के ऊपर वाले मूव्स है, ठीक है? और जर्क के यार अटैक्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? एंड सुजैको के अटैकों के ऊपर ध्यान दो।
अब मजा आने वाला है ना ब्रो। एंड मेरे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट एंड साथ ही साथ गाइस एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट्स भी है, तो मुझे चीज़ों को खोल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, स्केटर्ड स्पीयर लॉन्चर ये भी खोल लेता हूँ। जर्मनटाइट सैडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो खोलना ही पड़ेगा। ओके गाइस, और कुछ चीज़ें मैं खोल पाऊंगा? यस, शॉर्ट गन इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट गन भी मैं खोल ही लेता हूँ। ठीक है, और गाइस और एक चीज़ मैं खोल सकता, ये चीज़ लेकिन मैं कहाँ पे बना सकता हूँ अभी तक मेरे को नहीं दिखा। ठीक है, अभी तक मेरे को नहीं दिखा। एनीवेज, मुझे ऊपर की तरफ जाना है। एंड मैं यार फैन ग्लोब को लेकर के आ सकता था ना, ये तो मैंने गलत ही चीज़ कर दिया। मैं फैन ग्लोब को लेकर के आ सकता था यार, अब मैं किसके ऊपर जाऊँगा, मैं किसके ऊपर जाऊँगा? अब तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, अब मुझे लिटरली पैदल ही जाना पड़ेगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैदल ही चल लेंगे यार, बट बहुत दूर जाना पड़ेगा यार, बहुत मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा लिटरली। और क्या ही कर सकते हैं यार, एंड हैंग यू भी मेरे पास नहीं है कि फास्ट ट्रैवल कर सकूं। ये क्या है अबे, ये क्या है अबे, अब ये कौन से यार, क्या जेनेटिक टीम यार, एंड ये क्या है बाप यार, ये तो यार एक ह्यूज है ना, आई थिंक दिस इज ह्यूज अंडा, एक ह्यूज फ्रोजन अंडा। एक मिनट यार, इन लोग को पहले सबक सिखाना पड़ेगा, तू जाले एल जी भी इन लोग को थोड़ा सा सबक सिखा। तब तक क्या गाइज, मैं यार चीज़ें ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, फायर बॉल यार, ओरे फायर बॉल, मैं ये भी किसी को सिखा सकता हूँ। मैं अनुबिस को ये फायर बॉल डेफिनेटली सिखाना चाहूँगा यार, डेफिनेटली मैं फायर बॉल अनुबिस को सिखाना चाहूँगा यार, क्योंकि अनुबिस के पास ना, एक मिनट, अनुबिस के पास सारे के सारे यार ये मूव्स ही हैं, तो स्पिनिंग राउंड हाउस की जगह मैं फायर बॉल को रखना चाहूँगा, क्योंकि काम भी आएगा। अगर लिलिन नॉक एक आइस टाइप है तो यार फायर बॉल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आएगा। एनीवेज यार, इन्होंने तो मार दिया, अब मैं आराम से इस चीज़ को ले पाऊँगा। लेट्स गो यार, फायर बॉल मजा आने वाला है, लेट्स गो। आप लोग ना ये देखो, यहाँ पर और एक ह्यूज अंडा है यार, एंड मैंने इंगोट्स को फेंक दिया ताकि मैं इसको ले सकूँ। ठीक है, एंड और एक चीज़ देखो, ये देखो ये क्या चीज़ है यार, ये तो एकदम यार अलग ही चीज़ देखने को मिला। राइट, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पता नहीं यार ये जगह ना काफ़ी खतरनाक है, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं गाइस इस जगह में ऐसे चीज़ें क्यों बनाया गया है। ठीक है, एंड गाइस ज़्यादा दूर है नहीं, बस और 1000 किलोमीटर रह गया है। एनीवेज, अब मैं बहुत ज़्यादा यार, अब मैं चलते ही चलूँगा। आई विल मीट यू एट द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट नहीं एकदम डेस्टिनेशन पे, मेन पॉइंट। एंड इस जगह में कुछ ज़्यादा ही अंडे, ये तो डेफिनेटली चिलेट का अंडा होगा, एंड ये मुझे नहीं चाहिए। गाइस मैं लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, एंड यार ऐसे जगहों में ब्लैक मार्केट यार क्या कर सकेगा यार, मतलब क्या कर रहा है यार? बैगन। क्या तेरे पास कोई अनोखा पाल है? नहीं यार, इसके पास तो कोई अनोखा पाल तो है ही नहीं यार, तू ऐसे जगहों में क्या कर रहा है? पता नहीं, शायद से किसी एक पाल को ही पकड़ने के लिए आया होगा। एंड आप देख रहे हो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब यार, मैं कितने दूर में जा रहा हूँ यार, फुल ऑन गाइस बर्फीले जगह में जा रहा हूँ। ओके ओके, लैंड हो। अब तो यार उल्टा पुल्टा करके क्यों जा रहा है यार, सीधा तो नहीं जा सकता है क्या? उल्टा पैदा हुआ था क्या? ऑब्वियसली उल्टा ही तो पैदा होते हैं। एनीवेज ओके, मैं पहुँचने वाला हूँ लिलिन नॉक के पास, मैं पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, यस यस, ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, एंड आई थिंक यहाँ पर एक गुफा है, इस गुफा के अंडर से होकर के मैं लिलिन नॉक को ये चैलेंज देने वाला हूँ। सो लेट्स गो यार, पहुँच जाएंगे, नो इश्यू। ठीक है गाइस, ऐसे जगहों में अंडा, एक मिनट, ऐसे जगहों में अंडा, ये तो कोई स्पेशल नहीं, नहीं इसको भी नहीं लेंगे। चलो ओ एक मिनट, बट इसको तो डेफिनेटली लेंगे यार, ये तो एक गोल्डन चेस्ट है, एंड गोल्डन चेस्ट में यार क्या निकल सकता है? कुछ भी नहीं, गोल्डन की ही निकला। एनीवेज गाइस लेट्स गो, एकदम स्लीप होकर के जाएंगे, लेट्स गो। ओके, मज़ा आ रहा है, लेट्स गो। दुनिया का सबसे बड़ा वाला मिस्टेक मैंने कर दिया, इतना दूर आने के बाद मेरे को याद आ रहा है कि मुझे किसको लेकर के आना चाहिए था। मेरे को लेकर के आना चाहिए कित्सुन को यार, वो तो एक फायर टाइप ही था ना, एंड उसको भी तो मैं लेवल अप करा सकता था। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे तो क्रायोलिंग्स है, होली मोली यार, मज़ा आने वाला है। जा ब्लेज आउट टू ही फाइट कर ले, कमान, वाओ नाइस, वन शॉट बोल्ट है यार, सीरियसली यार ब्लेजाउल, एंड ये ब्लेजाउल कुछ काला काला सा क्यों दिखाई दे रहा है यार? यार मेरा ब्लेजाउल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है, एंड मैं ये आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। क्रायोलिंग्स यार, तू मेरे ब्लेजाउल के साथ पंगा लेने वाला है, ठीक है, एंड ब्लेजाउल तेरे को वन शॉट में उड़ाने वाला है, वन शॉट में तो नहीं बट दूसरे शॉट में तो तू जाएगा ही, नहीं जाएगा तो मैं तेरे को ऐसे यार गोली मार के भी उड़ा सकता हूँ। क्या मिला? आइस और गेंद मिले, लेट्स गो। और कितने दूर में है? एंड यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे एक फास्ट ट्रैवल है, इस फास्ट ट्रैवल पॉइंट को मैं अनलॉक करके जाना चाहूँगा, सो लेट्स गो।
एंड मैं अब तो इधर से भी यार, हाँ मैं कर सकता हूँ, इधर से भी मैं इसको लेकर के आ सकता था वैसे कित्सुन को, बट नहीं कित्सुन का अभी जरूरत नहीं है। ओए मैन, ये तो पाल जेनेटिक टीम है यार, बट पाल जेनेटिक टीम का यार क्या हाल कर दिया ब्लेजाउल ने यार, पाल जेनेटिक टीम का क्या हाल कर दिया। एंड ब्लेजाउल तूने ये मूव सीख लिया क्या? और ब्लेजाउल के पास तो ये वाला मूव आ चुका है यार, ये भी अब लावा छोड़ पाएगा, मजेदार मजेदार लावा फ्लोर क्रिएट कर पाएगा ये। नाइस नाइस, जल्दी से मार ले, मैं अभी हेल्प करता हूँ। बट मैं इन लोग को कुछ भी इतना खास डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इन लोग के पास एक कमाल का आर्मोर है यार। तू स्लो है क्या? मार 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 ले मार ले मार ले, ये मरने वाला है, ये मरने वाला है। और एक फटका दे ब्रो। ओह तू मेरे अटैक को डॉच करेगा हैं? कितना देर तक डॉच करेगा? इन लोग के पास कुछ स्पेशल चीज़ गोल्ड कॉइन्स है, ये तो यार स्टार वॉर्स के एकदम डेट वेडर की तरह लग रहा है यार। एनीवेज लेट्स गो, मैं पहुँचने वाला। यस मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। तो गाइज जैसे कि देख पा रहे हो मेमोरिस क्रिस्टल वर्जन भी है, ये तो गाइज मेमोरिस क्रिस्ट है यार। मज़ा तो अब आने वाला है, मज़ा तो अब आने वाला है यार। कितना खूबसूरत है यार, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। चलो एक गोली मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे हैं यार। क्या ओ गलत चीज़ ये हो गया कि क्या अकेले में ऑर्जर्क इन सारे के साथ पंगा ले पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा यार। ओ भाई ये गंडा पेल रहा है, गंडा पेल रहा है यार, सीरियसली बहुत गंडा पेल रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक को मार भी दिया, अरे एक को मार भी दिया यार, जैसे कि देख पा रहे हो। और ज़रक यार सीरियसली तू इतना पावरफुल क्यों है? ये एक के बाद एक को मार ही जा रहा है। एंड गाइस दोनों को तो मार ही दिया, दोनों को मार दिया पूरी। और अब यही लास्ट रह गया है, अब इसको ये छड्डी फाड़ देगा आई थिंक। ये खत्म गाइस, आइस वर्सेस इलेक्ट्रिक। ये भाई ये यार पेड़ के कारण ही ये मेमोरिस क्रिस्ट बसा हुआ है, ठीक है। अब तो गाइज ये खत्म होने वाला है फॉर श्योर, अब तो ये खत्म होने वाला है यार। अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? ओ यहाँ पे और भी मेमोरिस क्रिस्ट है क्या? ओ ये सारे के सारे मेमोरिस क्रिस्टल को मार रहे हैं, सारे के सारे मेमोरिस क्रिस्टल्स को मार रहे हैं। मार ले मार ले मार ले मार ले मार ले। ओरे यार इसके साथ यार पंगा क्यों ले लिया यार, इसके साथ पंगा क्यों ले लिया यार तुम लोगों ने? तुम लोगों को ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। और ड्रग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है, और ज़रक लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। अरे अब तो इसको यार बर्फ़ में जमा दिया यार, अब तो इसको बर्फ़ में जमा दिया। अब देखते हैं चलो। ओह ओ ओ ओ ओ, अकेले में इतने सारे मेमोरिस क्रिस को हरा पाना इज़ अ वेरी नेक्स्ट लेवल थिंग भाई, देखने में ही मज़ा आ रहा है यार। चलो यार मेरे को कोई ना कोई तो मार रहा है। मेरे को भी काफ़ी गंडा फटका पड़ा, ठीक है काफ़ी गंडा फटका पड़ा, लेकिन यहाँ पे जितने भी थे ना मेमोरिस क्रिस्टल सारे के सारे को मार दिए यार। मज़ेदार ब्रो, सीरियसली मज़ेदार। एंड इन लोगों से भी पाल फ्लूइड मिलेगा, हाई पाम ऑयल मिल रहे। चलो 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 फास्ट ट्रैवल पॉइंट को अनलॉक कर लेता हूँ यार। और ज़रक फाड़ने वाला है ब्रो, और ज़रक फाड़ेगा, और ज़रक सीरियसली फाड़ेगा बॉस को। चलो फास्ट ट्रैवल को अनलॉक कर दिया हूँ। ओके ज़्यादा दूर है नहीं, अब तो ज़्यादा दूर है ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि देख पर यहाँ पे गुफा है, एंड गुफा के अंदर जाने पर ही मुझे लिली नॉक देखने को मिल जाएगा यार। और ज़रक ने अकेले में यार, ये तो यार लेवल 40 के थे ना, 40-39 ऐसे के थे यार, 6-7 को तो हराया है यार, 6-7 को तो आराम से हराया है यार। Approximately 10 hours later. मैं ना लाइफ में कभी भी पैदल नहीं आऊंगा इस गेम में, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ यार। यार बहुत दूर आया हूँ यार, लिटरली बहुत दूर आया हूँ, एंड फाइनली जैसे कि देख पा रहे हो मुझे मिल चुका है। चलो अब इस डंजन के अंदर घुसते हैं, खतरनाक होने वाला है यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। व्हाट इज दिस थिंग? मैं यार लिली नॉक के गुफा में नहीं आया हूँ क्या? तो ये है क्या चीज़ यार? व्हाट इज दिस थिंग? ये तो यार ये तो एक विशाल का एक जीव है, इसका नाम क्या हो सकता है यार? फटाक से देखते हैं ये क्या है। ये तो काफ़ी खूबसूरत सा एक पाल है यार, एंड ये सो रहा है। व्हाट इज दिस क्रीचर यार, इतना खूबसूरत यार। एक मिनट यार इसको पकड़ना तो पड़ेगा ब्रो, ये एक ग्राउंड और आइस टाइप है। चलो पंगा काटते हैं, मार मत देना लेकिन। ओके अब पंगा होने वाला है, अब पंगा होने वाला है। चलो मैं अपने यार हाइपर स्पेयर को रेडी करके रखता हूँ। ओके ये भी खतरनाक मूव यूज कर रहा है। ओके 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 चलो पकड़ लेते हैं। नहीं पकड़ पाए। ओ भाई ये रेप्टियोडो क्रिस्ट नहीं आए, बट हाउ इज दिस इवन? ओरे बाप रे,
और उस रथ को इसने मार डाला। मजाक से हटके बोल रहा हूं, इसको ना ऑर्जर्क ने मार डाला। आप देखते हैं, तू मार सुजय को, इसको थोड़ा सा फटका दे इसको। शिट, लेकिन ये मर चुका है यार, ये मर चुका है यार। पर ऑर्जर्क को मार दिया यार, ऑर्जर्क को मार दिया। ए भाई, ये क्या देखने को मिल रहा है यार। चल अब मजा आने वाला है। कमल कमल हीट हिम। ओके नाइस 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 नाइस। यार मैंने देखा है, मतलब मैं एक चीज तो यार अभी यार गौर कर रहा हूँ यार, ये तो ग्राउंड टाइप भी है ना, इसलिए ऑर्जर्क मर चुका है। शिट, कमाल का स्पीयर मार रहा है। अब मैं इसको डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ। रुको रुको रुको, कैन आई कैच हिम? क्या लगता है, कैन आई कैच हिम? एक मिनट। ओ नो नो, इस बॉल से काफ़ी फटका पड़ेगा यार इसको, इस बॉल से इसको काफ़ी फटका पड़ेगा। सो एक मिनट, हाइपर स्पीयर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। हाइपर स्पीयर से इसको कुछ नहीं कर सकते वैसे। शिट, एलजेबी तुम ही आ जाओ, थोड़ा सा हेल्प करो। मार मत देना, लेकिन मर जाएगा ये। ये गया, वो नहीं गया, अभी तक नहीं गया है ब्रो, अभी तक नहीं गया। लेट्स ट्राई टू कैच हिम नाउ। अब शायद से आ जाएगा, अब शायद से आ जाएगा यार। नहीं आया, मुझे ये चाहिए यार। आई नीड हिम यार। ये तू आ जा भाई, यार सता मत यार, तू आ जा। वैसे भी तेरा हेल्थ एकदम कम है, इतना मेरे को सता क्यों रहा है पता नहीं। क्या तू अब आएगा? 1.56% दिखा रहा है कैप्चर रेट। मुझे अब ये यूज करना ही पड़ेगा, अल्ट्रा स्पीयर। आई नो मेरे पास अल्ट्रा स्पीयर बहुत ज़्यादा कम है। शिट शिट, बच के बेटे। ओके चलो अब पीछे से पकड़ते हैं इसको। 16% कैप्चर्ड एंड आई थिंक अब मैं इसको पकड़ पाऊंगा। यस, आ गया। वाओ, ऑर्जर्क को मारना इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, नेक्स्ट लेवल थिंग यार। एंड अब मैं इसके साथ कुछ भी पंगा वंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मतलब लिली नॉक के साथ अभी मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कैसे फाइट कर पाएंगे यार, इम्पॉसिबल। अभी तो इम्पॉसिबल हो चुका है यार, अभी तो लिटरली इम्पॉसिबल है। एंड ये कौन सा जगह है यार? अरे वाह, ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड जैसे कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पे दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बट गए हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। मैं सामने जाना चाहूँगा, सामने जाऊँ कि नहीं? सामने ही जा करके देखते हैं, ठीक है। पता नहीं यार सामने क्या ही चीज़ निकल सकता है, लेट्स फाइंड आउट। सामने भी यार, सामने तो और दो गुफा हैं। ओ ये गुफा नहीं, अच्छा ये गुफा ही है। इधर से कहाँ पे जा रहा हूँ? ओ मैन यार, इतना भूल भुलैया क्या, इतना भूल भुलैया क्या। एंड यहाँ पे और भी कुछ सो रहे हैं, ये क्या है, ये है क्या? अच्छा पाल जेनेटिक के मेंबर्स हैं, इन लोग को सोने देता हूँ। चलो ओके, और थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ब्रिज सा बना हुआ है, एक बर्फीला ब्रिज, एक पथरीला ब्रिज बर्फ से बना हुआ। पाल जेनेटिक मेंबर्स ही हैं इधर। मैं अपने लुकारियों को ही निकालना चाहूँगा, ठीक है, बैटल के लिए। बट ये लोग सोए हुए हैं, तो मुझे इन लोगों को जगाना नहीं है। खमाखा एक बैटल हो जाएगा, एंड मुझे बैटल नहीं करना है अभी। अब और इधर से कहीं पे जगह है क्या? और तो जगह है ही नहीं यार, और ना जगह है ही नहीं। तो क्लियरली गाइज, ये लिली नॉक का तो ये गुफा नहीं हो सकता यार, लिली नॉक का ये गुफा नहीं हो सकता। दिस इज ओनली जस्ट ए केव, ये डंजन इज, खाली ये एक डंजन है, ठीक है, ये लिली नॉक का गुफा है नहीं। एनीवेज मजा आ गया इस गुफा में आकर के। गुफा के बाहर तो आ चुका हूं। शिट, इन लोगों ने मेरे को देख लिया। चल यार अनुबिस, तू ही जाकर के मार ले। अनुबिस तो डेफिनेटली फाड़ के रख देंगे, लेकिन ये भी लेवल 42 के हैं। पर यार अनुबिस के सामने यार लेवल 41 हो 42 हो डजंट मैटर यार। एंड एक मिनट में इसके साथ भी एक बार पंगा करके देखूंगा, ठीक है। ये और एक है,
रेप्टोक्रिस, इसको थोड़ा सा मार फटका दे, पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है, पकड़ने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। कमान मार ले यार, मैं ही यार हिट दे देता हूँ, अब तो ये जाग चुका है, मेरे को ही मारेगा, क्या मारेगा देखते हैं। ओके नहीं मारा, अभी तक तो नहीं मारा है। तू मार ले यार अनुबिस, तू क्या कर रहा है, खतरनाक फटका पड़ेगा। नाइस, बहुत ही हैवी फटका पड़ा, ये भी एक कमाल का फटका दे रहा है, अर्थक्वेक जैसा एक मूव यूज कर रहा है रेप्टोक्रिस्ट, ठीक है। ओके ओके, अरे ये तो मेरे पास ही आ चुके हैं, ये मेरे पास ही आ चुके हैं, एंड अनुबिस इज इन डेंजरस स्टेट, ठीक है, अनुबिस भी एक डेंजरस स्टेट में आ चुका है। चलो थोड़ा सा और फटका दो इसको, ये तो ऊपर में चढ़ गया है। शिट, गलत सीन, गलत सीन, एकदम गलत सीन। आजा अनुबिस, मार ले इसको, मार ले मार ले मार ले, नहीं तो मैं ही एक काम कर, नहीं तो मैं ही एक काम कर लेता हूँ, हाइड्रोस्पेयर फेंकता हूँ, ठीक है, हाइड्रोस्पेयर से आई थिंक ये नीचे आ जाएगा ना। ओके आई थिंक ये अब नीचे आ जाएगा, अभी तक तो नीचे नहीं आया है बॉस, कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ले ब्रो। ओ मार दिया यार, चलो अनुबिस के साथ तो पंगा नहीं कर सकते। एनीवेज गाइस, मैं इधर से निकल लेता हूँ, ठीक है, इधर रहने का कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि इधर और कोई है नहीं, तो मैं इधर से निकल लेता हूँ, लिली नॉक के खोज में आगे बढ़ते हैं, चलो मज़ा आने वाला है।